ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक फिर से करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग के साथ आए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं, उनकी इस रिश्ते को लेके क्या इंटेंशंस हैं। दूसरा, हम देखेंगे वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या सोचते हैं एग्जैक्टली। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, एक जनरल गाइडेंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी ये देखने के लिए कि क्या आपको एग्जैक्टली अब करना चाहिए और ऊपर वाला आपको क्या बोल रहा है इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, सो सबसे पहला तो फ्रेंड्स ये करेंगे। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को पहली बार सब्सक्राइब किया है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग्स को लाइक करें अगर पसंद आती हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। इससे मेरा बहुत क्लैरिटी आती है कि क्या ये रीडिंग्स एक्चुअली लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो रही हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा, इसे अपने सन मून साइन या नाम राशि से देख सकते हैं। एंड लास्ट, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं डालनी, जितनी रेजोनेट हो उतनी देखें। ठीक है, सो जल्दी से फ्रेंड्स रीडिंग को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए। ओके, ऑल राइट, सो कैप्रिकॉर्न यानी के मकर राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, वो किस तरह की सोच रखते हैं फ़िलहाल। आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे नो कांटेक्ट में, चाहे जैसे भी। ठीक है, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, आपके साथ जो इनका ये रिलेशनशिप है या था या अभी ऑन ऑफ में रहता है, जैसे भी हो, आपका पार्टनर ये सोचता है कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था या है। इस रिश्ते में वो हर चीज़ है जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है, बट उनका पैशन आज भी आपके लिए कम नहीं हुआ है। वो आपको आज भी प्यार करते हैं, आज भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, बट कहीं ना कहीं आप, मुझे नहीं पता क्या इस टाइम फेज़ में हैं इनके साथ, बट आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिवली आपको देखता है। वो इस रिश्ते में अभी भी अपने अच्छे समय का, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है। उसे लगता है शायद ये जो भी एक हम दोनों के बीच में अगर थोड़ी बहुत भी कड़वाहट आई है तो वो ये वक्त बीत जाएगा, एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत समय हम दोनों के बीच में फिर से आएगा। सो एक तरह से आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर को ज़रा सा भी लगता हो कि आप उनसे कहीं भी दूर हो जाएं और वो आपको अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर कर दें। वो आपको मिस करते हैं अगर वो आप नो कांटेक्ट में हैं तो। इंटेंशन देखते हैं उनकी इस रिश्ते में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स और एक और कार्ड खुद आया जो कि आया एम्परर। देखिए, उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना उन्होंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जीवन भर का साथ निभाने के लिए आपके साथ आए, पर हुआ कुछ ऐसा कि लाइफ में ना आप दोनों के बीच में पता नहीं क्यों एक दूसरे को हराने वाला एक मोड शुरू हो गया, जिसमें वो अपने आप को ऐसा फील करने लगी कि मैं दबा भी रही हूँ ना, या दबा भी रहा हूँ खुद को, अपने आप को, मैंने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर दी, अपने आप को ज़ीरो पे भी ले आई या ले आया, तब भी कैप्रिकॉर्न आप खुश नहीं हुए, ऐसा उनकी इंटेंशन है। दुख होता है उन्हें, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं, बट फिर भी वो इस रिश्ते को, इस शादी को हर हाल में निभाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को, अपनी हर एक कीमती चीज़ को दांव पे लगा दिया इस रिश्ते में, बट मिल नहीं रहा उन्हें वो जो वो चाहते हैं। और इंटेंशंस उसकी, उनकी अब ऐसी हो गई हैं
कि मैं कोशिश करते जाती हूँ या करते जाता हूँ, शायद कभी तो आपको समझ में आए, ऐसा दिख रहा है उनकी तरफ से मुझे। सो बहुत हार्टलेस दिख रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, दुखी हैं इस टाइम, और बहुत मजबूत होकर भी बहुत वीक पड़ गए हैं, ऐसा दिखता है। अगर हम अब देखते हैं इनकी एक्शन लेंगे क्या आपके पार्टनर आपके लिए, कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन के पार्टनर क्या इस रिश्ते में उनके लिए कुछ एक्शन लेंगे? सबसे पहला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए उन्हें फिर से एक्शन में यही दिख रहा है कि वो हर एक दिन अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे चल के भी इतना पैशन और सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर ज़िंदगी ने उनका साथ नहीं दिया या आपने उनको नहीं संभाला, तो वो लाइफ में खुद को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाएं जहां पर उनको गिरने के बाद भी झटका ना लगे। ये उनकी सबसे बड़ा नेक्स्ट एक्शन है जो कि वो शायद सेल्फ लव में आके कर रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुद को तो दांव पे नहीं लगा सकता, मुझे खुद को संभालना ही पड़ेगा। सो ये मुझे उनके एक्शंस नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं क्या वो कुछ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। सो फ्रेंड्स, डिवाइन गाइडेंस से पहले अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अब तक क्लैरिफाई किया हो चीज़ों को, तो इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। देखिए आपको डिवाइन कह रहे हैं चैंट करने को, प्रेयर्स करने को, और वो है ओम, यूनिवर्सल साउंड। आप जिस भी धर्म के हो, अपने धर्म को लेकर कुछ ऐसी प्रेयर्स करें जो आपको अंदर तक, कहते हैं ना, पूरा क्लियर कर देती हैं, आपके क्राउन चक्रा से लेके आपके हर एक चक्रा तक आपको कहीं ना कहीं नर्चर करती हैं। इन चीज़ों को आपको देखना होगा। अगला है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो प्रैक्टिस करें योगा, किस लिए आपको करना है, ताकि आपके फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। हो सकता है आप इन सब स्ट्रेस में इन चीज़ों पे ध्यान ना दे पा रहे हो, बट आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है अब, ठीक है। सो ये है कैप्रिकॉन आपकी रीडिंग, एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। बाकी मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय फॉर नाउ।